यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूध दे के भड़काए पे उसने मार दिया मेरे बच्चे को। एक लड़का उसको परेशान करता था, उसने शाम को फोन किया, बोला हम शादी करेंगे, झूठ बोला तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, हम उसकी माँ, हम जानते हैं हम उसका मेरा बच्चा। वो भी लड़की को बहुत प्यार करते थे, उसके भड़काए में आ गए। कानपुर के रावतपुर की रहने वाली ये माँ अपने आंसुओं से एक सवाल पूछ रही है। सवाल पूछ रही है कि देवियों को पूजने वाले इस कथित पुरुष प्रधान देश के समाज से कि आखिर मेरी 16 साल की बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसे ऐसी मौत मिली। किसी मनचले ने एक झूठी कॉल कर दी और बेटी को मिली तड़प तड़प कर मौत। रावतपुर के रहने वाले श्याम बहादुर की एक 16 साल की बेटी थी। किसी मंचले ने श्याम बहादुर को फोन करके ये कहा कि तुम्हारी बेटी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही श्याम सुंदर की बहादुरी को इतनी ठेस पहुँची कि उन्होंने एक खौफनाक प्लान तैयार कर लिया। श्याम बहादुर पहले अपने घर पहुँचा और वहाँ पत्नी से लड़ाई करके उसे मायके छोड़ाया, फिर गले तक दारू पी और घर पहुँचा। घर में 16 साल की बेटी सो रही थी। बेटी को देखते ही श्याम बहादुर का खून खौल गया और उसने बगल में पड़े डेटा केबल से बेटी का गला दबाना शुरू कर दिया। बेचारी बेटी चीखती रही, कहती रही कि ये सब बातें झूठी हैं और मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन श्याम बहादुर के सिर पर नाश नाच रहा था। उसने अपनी बेटी की एक न सुनी और उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक उसका शरीर ठंडा न पड़ गया। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोगों को लगा कि महज लड़ाई चल रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि श्याम बहादुर अपनी बेटी को मार देगा। घटना की जानकारी किसी ने श्याम बहादुर की पत्नी को दी। मौके पर पहुंचकर महिला ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और अब कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है। 15 साल की है, 16 चल रही है। आपने देखा आपके सामने मारा? कोई नहीं था यहाँ पे। तो ये पहले भी मारते पीटते थे क्या? पहले भी मारते पीटते थे? डांटते थे, मारते नहीं थे कभी। कभी नहीं मारते थे उसको, बहुत प्यार करता था। बहुत प्यार करते थे उसको। दूध दे के भड़काए पे उसने मार दिया मेरे बच्चे को। किसी से बात नहीं वो करती थी। एक लड़का उसको परेशान करता था, उसने शाम को फोन किया, बोला हम शादी करेंगे, झूठ बोला तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, हम उसकी माँ, हम जानते हैं। अब उसका गिर गई थी, 15 दिन से हम उसका इलाज कराए। मोनू चमार, तो वो उसने ये बता दिया उनको प्रेग्नेंट है इसीलिए मार। ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बच्चा ठीक था। बड़े दुलार से पाला हो मेरा बच्चा। वो भी लड़की को बहुत प्यार करते थे, उसके भड़काए में आ गए। आप नहीं थे जब वो मारते? हम नहीं थे। कल रात में उसने जब बात करी तो ये गुस्सा में हमको मायके छोड़ आए थे। उसके बाद सुबेरे हमने बात करी तो वो सो रही थी। वही इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी उनके भी होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस की माने तो आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। आज जो है राधा विहार कॉलोनी थाना क्षेत्र रावतपुर, समय करीब 11 बजे के बाद एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें ये बताया गया कि उसके जो है श्याम बहादुर दिवाकर जी हैं, उनकी एक पुत्री 16 वर्षीय है, उसको केबिल से गला दबाकर हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया जो है सूचना पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने जो है फॉरेंसिक टीम के साथ उसका निरीक्षण किया और शव को अग्रिम जो है पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है मोर्चरी। और ऐसा लग रहा है कि जो है कुछ जो है प्रेम संबंधों के कारण जो है हुआ है, और फिर भी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो जो भी, अभी मां के द्वारा ही सूचना दी गई है कि पति के द्वारा नशे में जो है कृत किया गया है, आगे जो भी होगा अगर कोई तहरीर मिलेगी तो उस पर अभियोग पंजीकृत करके जो भी होगा विधिक कार्रवाई की। पति को हिरासत में ले लिया गया। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।